राज्यपाल अजीत कुरैशी का बड़ा बयान, पीएम मोदी पर साधा निशाना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। अजीत कुरैशी ने पुलवामा हमले को पीएम मोदी की सोची समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलवामा हमला प्लान करके करवाया गया ताकि मौका मिल सके और जनता समझती है। अगर मोदी चाहे तो 42 शहीदों को मारकर 42 लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं की राख से अपना राज तिलक कर ले, जनता नहीं करने देगी। 42 लोगों के खून से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं तो नहीं करने देंगे। अजीत कुरैशी ने दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाने पर कहा है कि बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जिसको भी सहरा बांधते हैं वह भाग जाता है, डर के मारे सामने ही नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 20 से ज्यादा सीटें जीतेगी। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं ने कारखाने बंद करा दिए हैं। आपके सांसद, आपके एमएलए अन्याय किया है, तबाह किया है। और ये बाकी लोग हैं, इसी के दोस्त हमारे रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े बहुत दुख दिया हमको। आगे मतलब आते नहीं चाहिए, अब भगवान की कृपा है, पूरा समाज के लोग आ गए हैं। दे रहा हूँ आपको, वो भी नाम है आगे। तो इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, मैंने मेंबर बना लिया अभी उनको आगे। और ये बड़ा हमें शक्ति देंगे, ताकत देंगे, 8-10 हजार वोट हैं इनके शिवराज्य में। और मुझे उम्मीद है कि डर के एक वोट बनाएंगे पार्टी के कैंडिडेट को, हमारे दिग्विजय सिंह जी को, और इनके बाकी और इनका सहयोग मिलेगा और बड़ी ताकत बढ़ेगी कांग्रेस की। आज शिवर के अंदर मैं आभारी इन लोगों का हूँ। बहुत मुझे निवेदन करा था, व्यक्तिगत निवेदन कर रहा था, और मानदी बचन तो वही। और आज उनका स्वागत करता हूँ आपका और पूरे परिवार का, परिवार में कांग्रेस परिवार में जो लोग हैं हमारे दोस्तों का, और हमारी ताकत बन गए। आप हमेशा आज आते हैं, देखें ये हार डालते हैं भाग जाता है, हार टूट रहोगे वो जिसको सहरा बांधते हैं सहरा देख के भाग जाता है वो, डर के मारे आई नहीं रहा सामने कोई। क्या रहेगा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का चुनाव का? कम से कम 20 सीट। पुलवामा में आपकी आर्मी, आपकी फौज, आपका पूरा भारत सरकार, आपकी कश्मीर सरकार, गवर्नर वहां पे है, और उस हाईवे के ऊपर जो आर्मी का गजारा था पूरा हमारे केवल के, वहां वो कैसे घुस गया? वो आड़ी जैसी है गाड़ी, कैसे घुस गई वहां पे आगे? प्लान किया आपने, लोगों ने कहा या आगे देखा होगा आपने, वायरल हुआ है मतलब सोशल मीडिया के ऊपर आगे प्लान करके आपने करवाया ताकि आपको मौका मिले। और लेकिन जनता समझती है, अगर मोदी जी चाहें कि 42 शहीदों को मारकर 42 लोगों की हत्या करके उनकी चिताओं के राख से अपना राज तिलक करने, जनता नहीं करने देगी। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस किया है, तो ये कहाँ तक मतलब सही है जो उन्होंने बोला? बेगरती की बात है। अगर आदमी में गलत हो, कुछ समझदारी हो, कुछ कॉन्शियस अंतरात्मा हो, कभी नहीं बोलेगा। मतलब राज्यपाल का मतलब पहले दिन जिताया था, मतलब आपने पद से आगे मैं तो राज्यपाल हूँ, मैं तो आपसे यहाँ बैठा कर रहा हूँ। बीजेपी की दूरी वहाँ जितने सांसद रहे, इतने पुराने मुख्यमंत्री रहे, अभी यहाँ फोन कर लीजिए आपकी, एक लफ्ज अगर मेरे खिलाफ खुद को ये कर रही आत्महत्या कर दूंगा मैं यहाँ बनाऊँ आपसे। एक मैंने बोलते एक कोई बोलते बीजेपी का वहाँ के मुख्यमंत्री 5 हैं बनाए पहले, सारे एम पी अभी एच बी एम पी हैं आगे, सारे विधायक हैं पूरी पार्टी उनके। अगर आप बोलते अजीत पड़ोसी ने एक बार भी देखी हो उल्टी हेल्प की उनकी आगे कांग्रेस पार्टी नाराज हुई आगे, मैंने कहा नहीं तो फायदे की बात की जाएगी, आत्महत्या कर लूँगा आप क्या कह रहा हूँ। तो आदमी की अंतरात्मा की बात होती है, कांग्रेस की बात होती है उसके आदमी की। और कल्याण सिंह का क्या है मतलब? कल्याण सिंह ने तो एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद छोड़ खराब काम किया उसके, जब लोगों ने पूछा मैंने वो तो दिया था मैंने सुप्रीम कोर्ट को, मेरा फिर भगवान नाम को दिया था मैंने, वो माना है मैंने, उनका अब क्या किया जाए इसका? दूसरी छुप होगी उनकी, 1 लाख तो है उनकी जीत रहे हैं, काम करने से 1 लाख से ज़्यादा कितने जीत पाएंगे वो हमारी जीत होगी आगे। और दिग्विजय सिंह के आने से इस भोपाल क्षेत्र का सीहोर का मुखपत्र बदल जाएगा। ये क्या किया है आपकी भाजपा ने? शुगर मिल बंद करा दी, कराई नहीं कराई? मैं लाया था इंडस्ट्रीज मंडी के अंदर, एमपी रोडवेज की इंडस्ट्री लेके आया था, वो इंडस्ट्री पूरी बंद करा दी। मैं लाया था ये ऑयल मिल लड़के देखा, अर्जुन सिंह लड़ाई हुई थी मेरी, अर्जुन सिंह जा रहे थे वहाँ सीधी, मैं यहाँ लेके आया उसको आगे, वो बंद करा दिया। क्या किया है बताइए? ये कारखाना बिजली का कारखाना था, कारखाना था
एबीबी कारखाना था, वो था विद्याचरण जी के क्षेत्र में, वहां से हमको चिट्ठी लेके आया अभी, और यहाँ आदेश दिए मैंने कि 5000 आदमी है मेरे का रोजगार, और अभी मिल जाएंगे लोग आपको जो लोग मेट्रिक पास मिल गए 8वां पास चला लिए, वो 8वां पास लोगों को आज मिल रही 70-70 हजार तनखा है, मिल जाएंगे लोग अभी अपने वो कारखाना पर कर दिया कि तो आपके सांसद आपके एमएलए आपकी पूरी भाजपा पार्टी जो इतने नपस्तक लोग हों अपने अपने शहर कारखाने पर करा दें बेरोजगारी करा दें उनको क्या वोट माने गए आप लिए बना बने का तालाब मंजूर मैंने करा था शावर में बना बनाया तालाब कैंसिल कर दिया काली घड़ी का तालाब बजट में आ गया था उसे खत्म करा दिया ये सीओर में नाका जो है भवाना का यहाँ रिंग रोड देख लीजिए उठा के क्षेत्र का बजट ये रिंग रोड यहाँ से जा रही थी पूरी 60 फीट की वो पूरी जाती यहाँ से जौनी का तालाब उसके बाद जाती मंडी मंडी जाती कस्बे कस्बे से जाकर निकलती दो रोड पे आगे मतलब और सारे हमारे मॉडल्स कॉलोनीज होटल दफ्तर सब तरंता उसके आसपास बनेगी पूरा आगे नया सीओर के नक्शा तो बदल जाता पूरा बजट पे 9 लाख रुपये हैं उसके वो कैंसिल कर दिए आगे मतलब इस पॉलिसी की थोड़ी पिलावट थी वो किया क्या किया है बलात्कार किया है सीओ के साथ आपने पूरा अन्याय किया है तबाह किया है बर्बाद किया है आपने नौजवानों को तबाह कर दिया है पूरा यहाँ पे आपने